मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार की संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ एक में नहीं कोरोना के संकट में भी वो कमलनाथ जी यही कह रहे थे, कमलनाथ जी के समय में कोरोना आया था, कमलनाथ जी क्या कर रहे थे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, प्रदेश जानता है। और कोरोना के संकट में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संकट से निपटने में जो बेहतर काम किया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, इसी प्रकार से कमलनाथ जी का काम केवल बयान और ट्विटर, वो ट्विटर कांग्रेस हो गई है केवल, तो उनके वक्तव्यों का जवाब देना मेरा काम नहीं है, मात्र हम काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ चीते भी ला रहे हैं तो गाय को बचाने का लंपी वायरस से भी प्रावधान कर रहे हैं। इस देश के अंदर मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं तो क्या बेईमानी नहीं है? क्या उनके पूर्वजों की ये बात नहीं होगी? धारा 370 लगा करके भारत माता के सिर मुकुट पर कलंक लगाने का काम किसने किया था देश के अंदर? क्या धारा 370 में अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो सफाई कर्मी था जम्मू कश्मीर के अंदर, उस राज्य में वो जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा? वो कितना ही योग्य हो, लेकिन धारा 370 कहती थी अगर वो सफाई कर्मी है उसके बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो उसको जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के देश के कोने में जाए वो। अब देगा राहुल गांधी जवाब दें, देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, जेएनयू के अंदर भारत माता के टुकड़े करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग वहां नारे लगाती है, राहुल गांधी उसके समर्थन में खड़े होते हैं। अब राहुल गांधी कहे मैं भारत को जोड़ने चला हूं, ये बेईमानी नहीं तो और क्या है? क्यों इनके इतिहास की बात नहीं होगी? क्यों 15 महीने में कमलनाथ ने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था? मुझे बताइए क्यों डर रहे हैं? तुम्हारी सरकारें थी तो ऐसे अपराधी और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? जो इस प्रकार से लिप्त है, जो रॉन्ग साइड है, ये वो डरते हैं मेरे खिलाफ कार्रवाई होना, हो ना, जब मैं सही हूं तो क्या दिक्कत है? तो दिग्विजय सिंह हो या उनके नेतृत्व करने वाले हो, सबको क्यों डर लगता है? नेशनल हेराल्ड के अंदर जवाब दे ना, सोनिया गांधी राहुल गांधी क्या किया आपने? अगर कुछ होता है तो आपको कार्रवाई दिखती है, आप रॉन्ग साइड है इसलिए आपको ऐसा लगता है, तो इसलिए जो गलत कोरोना का संकट उनके समय में आया था, कमलनाथ जी आईफा अवार्ड की बैठक भोपाल के अंदर कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में उनको चिंता नहीं थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी संकट चाहे वो बाढ़ आई हो, चाहे लंपी वायरस हमारी गौ माता के ऊपर आक्रमण आया हो, उन पर गंभीरता से मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के आदेश दे करके हर प्रकार से इस वायरस से कैसे बचा जाए इसका गंभीरता से प्रावधान सरकार ने किया है। तो सरकार चीते भी लाती है और गौ माता को लंपी वायरस से बचाने के प्रावधान भी करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी हाँ, आपके प्यार और आपके विश्वास से एक बार फिर आपके लिए तैयार है अब नए रूप में आपका टी बार, आनंद नगर रोड खंडवा। हम पलके बिछाए बैठे हैं आपके और आपके परिवार के इंतजार में।